हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जान राग ते हुई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग एक को आधार बनाकर कर्म के संदर्भ में हमने चर्चा परसों प्रारंभ की थी। कल हम खनियाधाना चले गए थे, दो प्रवचन वहाँ हुए, सुबह 5:30 पहुँचे और शाम को 4 बजे निकल गए, 4:45 बजे, और वापस सुबह आपके सामने आ गए। कर्म थोड़ी बहुत बात याद है क्या आपको, पिछली बातें कुछ है? कर्म के संदर्भ में क्या बात की गई थी? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म कैसे हैं? द्रव्य कर्मों की संरचना किस प्रकार की है? द्रव्य कर्म दिखते कैसे हैं? कि वास्तव में आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन शास्त्रों के आधार से देखें, सर्वज्ञ भगवान की वाणी के आधार पर देखें तो वे कर्म जस्ट लाइक सैंड, मिट्टी, धूल के कण, बालू मिट्टी की रेत, उस तरह के हैं। बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं कर्म के परमाणु, वे पौद्गलिक हैं। और वे कर्म की जो धूल है उनको कर्म बनने के पहले एक विशिष्ट शब्द से नवाजा जाता है शास्त्रों में, उसे कहते हैं कार्मण वर्गणा। याद रखना, नए नए शब्द हैं नए लोगों के लिए, लेकिन नए नए शब्दों से धीरे धीरे परिचय होगा तो थोड़े समय बाद में आप देखेंगे अपने उपयोग में एक बहुत बड़ा जैन शब्दकोश तैयार हो जाएगा। शब्दों से परिचय होगा, क्या शब्द कहा हमने? कार्मण वर्गणा, वर्गणा कार्मण। वे कार्मण वर्गणाएं सारे लोक में ठसाठस भरी हुई है। कार्मण वर्गणा, वे कार्मण वर्गणाएं जब इस जीव के परिणामों का निमित्त बनता है, जैसे ही इस जीव के कुछ भाव होते हैं, जैसे ही क्या हर समय होते रहते हैं, भाव से रहित तो ये जीव कभी भी नहीं होता, यहां तक कि सोते समय भी, यहां तक कि कोमा में भी, कोमा में पड़ा हो तब भी, नींद में हो, बेहोश पड़ा हो, ऐसे समय में भी इस जीव के परिणाम अंदर बराबर चलते रहते हैं, भाव बराबर चलते रहते हैं। वो बाहर में दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर भाव चल रहे हैं, और उन भावों के आधार पर हर समय कर्म बंधते रहते हैं। तो कर्म कौन से बंधे? कर्म रेडी नहीं है, कार्मण वर्गणाएं हैं। क्या लोकेश जी? कार्मण वर्गणाएं हैं। वे कार्मण वर्गणाएं हमारे भाव बदले और उन भावों के हिसाब से वे कार्मण वर्गणाएं तुरंत बंधने के लिए तैयार थी और बंध गई। हमारे आसपास में चारों तरफ एवरीवेयर सब जगह पर कार्मण वर्गणाएं हैं, चुंबक की तरह बस चिपक जाती हैं। आप चुंबक को, मैग्नेट को यदि आप मिट्टी में डालो और उसे उठाओ तो उसके चारों तरफ आपको आयरन के जो कण हैं, बारीक बारीक कण, वो आपको उसके चिपके हुए नजर आएंगे। हमने मिट्टी उठाई ऐसे और हमने कहा बताओ इस मिट्टी के अंदर कहीं आयरन दिख रहा है क्या, लोहा दिख रहा है क्या? आप कहोगे नहीं दिख रहा, इस मिट्टी में कहाँ लोहा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही चुंबक उसमें डाली तो वो जो लोहे के कण थे वो उसके चिपक गए। इसी प्रकार हमें कार्मण वर्गणाएं दिखाई नहीं दे रही, वे कार्मण वर्गणाएं
है मूर्तिक क्योंकि वे पौद्गलिक हैं, पुद्गल द्रव्य है, कारमाण वर्गणाएं पुद्गल द्रव्य हैं, उनमें ऐसी शक्ति है कि वे दिख सकें लेकिन हमारी आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें देख सकें। ठीक है, हमारे परिणामों की वजह से वे कारमाण वर्गणाएं, विकास जी वो जो कर्म रूप बदलने की शक्ति जिनमें है ना, उनका नाम है कारमाण वर्गणाएं, वे बदली और चिपक गई आत्मा के साथ में, जीव के साथ में, हमारे साथ में। निमित्त कौन बना? हमारे परिणाम। जो भी हमारे भाव होते हैं उनकी वजह से हम ये कहते हैं कर्म हमें तकलीफ देता है, कर्म हमें दुख देता है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं वो कर्म बांधे किसने, ये बताओ वो कर्म बांधना किसके कंट्रोल में है? वो हमारे कंट्रोल में है। हम यदि अच्छे भाव करेंगे तो बुरे कर्म नहीं बन सकते हैं, हम यदि खोटे काम करेंगे तो अच्छे कर्म नहीं बन सकते, कर्म वैसे ही बंधेंगे। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये सुपर कंप्यूटर है। क्या ये इतना सुपर कंप्यूटर है पूरे लोक में, और कितने जीव और कितने अकाउंट, क्या उन कर्मों के लिए अनंत अनंत जीव है, अनंत जीव निगोद में है, असंख्यात जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, नारकी, त्रियंच, देव, कितने अनंत अनंत जीव है बोलो। इन सब जीवों के प्रति समय कर्म बंध रहे हैं। कर्मों के बारे में इतनी बात समझना कि अभी हम बात कर रहे हैं कर्म के बंधन की। जिन कर्मों का बंधन होता है वे कर्म कौन से हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म या नव कर्म? द्रव्य कर्म। क्या कहा? सिर्फ कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, एक आध दिन में आजकल में चैप्टर खत्म कर देंगे हम। क्या ये प्रवचन भी यूट्यूब पर चला जाएगा? लेकिन ऑलरेडी मेरे मयामी फ्लोरिडा अमेरिका में किए गए प्रवचन, 6 प्रवचन हैं 8 कर्मों के ऊपर किए गए, लगभग 1.5 घंटे के प्रवचन हैं, वो वहाँ यूट्यूब पर अवेलेबल है। 1.5 घंटे के 6 प्रवचन का मतलब क्या हुआ? लगभग 9 घंटे के प्रवचन, 8-9 घंटे के प्रवचन, और अपने यहाँ के पौन पौन घंटे के प्रवचनों की दृष्टि से देखें तो लगभग 10-12 प्रवचन, 12 प्रवचन। अपने को कितने में करना है चर्चा? मुश्किल से 2 प्रवचनों में। और वहाँ हमने एक एक कर्म को बहुत बारीकी से समझाया है, ऑन डिमांड, उन लोगों की डिमांड पर। अपने पास में समय भी नहीं है क्योंकि वापस हमें निकलना है वहीं। अभी देखिए, क्योंकि अभी कल तो अपन वैसे ही अपने प्रवचन की जगह विधान होगा, शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं, और कल अपन यहाँ शांतिनाथ पंच कल्याणक विधान, पवैया जी का लिखा है, बहुत सुंदर विधान है, कल हम वो यहाँ विधान करेंगे। लगभग 2-2.5 घंटा प्रवचन या जो भी समझना समझाना है वो प्रवचन उसी के बीच में ही होगा मान लीजिए आप। क्योंकि हम जो विधान करते हैं वो विधान ऐसे नहीं होते कि खाली विधान होता है, उसमें हम प्रवचन कर लेते हैं क्या, इसलिए प्रवचन उसी के बीच में हो जाएगा। चलिए कर्म की चर्चा, एक हो गया द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म बंधने वाले परमाणु, वे क्या हैं? द्रव्य कर्म है। जो कर्म परमाणु बंधेंगे उनका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। किसकी वजह से बंधे? भाव कर्मों से बंधे। वे भाव कर्म किसके हैं? द्रव्य कर्म तो पौद्गलिक है, भाव कर्म जीव का है, हमारा परिणाम है, हमारा परिणमन है, हमारी अवस्था है। समझ में आ रही है? द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणु है, जो कारमाण वर्गणाएं कहकर के पुकारा है। यश, ख्याल में आ रही है बात बेटा? द्रव्य कर्म पुद्गल द्रव्य है और भाव कर्म जीव की पर्याय है। पर्याय तो जानते हैं, अवस्था, दशा, हालत, स्थिति, अपन द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा है पहले। भाव कर्म क्या है? पर्याय है, जीव की पर्याय है। कैसी पर्याय है? विकारी, विकारी पर्याय है। जब भाव कर्म नहीं होते तो जीव की विकारी पर्याय नहीं होती, निर्मल पर्याय होती है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि रूप वो उसकी निर्मल पर्याय है। वो किसके अभाव में होगी? भाव कर्म के अभाव में। अभी भाव कर्म का निमित्त मिलने पर द्रव्य कर्म बंधे, ठीक है? भाव कर्म का निमित्त मिला, द्रव्य कर्म बंधे। अभी ये बंधन की बात कही हमने द्रव्य कर्म की,
इसी द्रव्य कर्म में बंधन के साथ साथ में एक दूसरी सिचुएशन होती है, उसे कहते हैं उदय। बंधन अलग चीज है और उदय अलग चीज है। उदय किसे कहते हैं? उदय कहते हैं फल, फल मिलना। कर्म बंद तो गया, अब फल कब मिलेगा उसका, सजा कब मिलेगी, रिवार्ड कब मिलेगा? अपना टाइम आने पर। जब उस कर्म का उदय आएगा तब हमें उसका फल मिलेगा। ख्याल में आ रही है बात? बंधन में कोई तकलीफ नहीं है इस जीव को, कर्म बंधने में कितनी तकलीफ होती है? कुछ भी नहीं, बंध जाओ क्या फर्क पड़ता है। क्या तकलीफ कब होगी? तकलीफ तो तब होगी जब भोगने का टाइम आएगा। क्या इसलिए है ना? बिल्कुल है, अभी हम सारी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सब बात आएगी। भोगने में भी कितना अंतराल पड़ेगा, कितना गैप पड़ेगा, जितना गैप पड़ता है बंधा और भोगा, बंधा बंधन और उदय, इन दोनों के बीच में जितना जितना गैप होता है उस गैप को शास्त्रों की भाषा में कहते हैं अबाधा काल। अबाधा, अबाधा काल, काल मतलब तो टाइम, वो टाइम जो है बीच वाला टाइम जिसमें कर्म ने फल नहीं दिया, जिसमें कर्म का फल नहीं मिला, जिसमें कर्म ने हमारे को डिस्टर्ब नहीं किया, क्या अबाधा वो काल क्या है? अबाधा काल। देखो नए नए शब्द हैं, नोट करते जाएं अपनी नोटबुक में, नहीं तो अपने माइंड में। क्या बीच बीच में इन शब्दों का वापस वापस प्रयोग करता रहूंगा जिससे कि ये आपके दिमाग में सेट हो जाएं। पहले कर्म तीन गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ठीक है। फिर द्रव्य कर्म की बात की हमने, अभी भाव कर्म भी समझ में आ गया और द्रव्य कर्म बंधा। बंधने के बाद में कुछ समय का अंतराल पड़ा, उस जो अभी जो बंधा है जितना अंतराल पड़ा उसे क्या कहा मनोज? अबाधा काल। अबाधा काल के बाद में मतलब अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद अब उसने फल दिया। क्या समझ में आ रही है बात? जैसे देखो बहुत तरह के एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, तलाश सकते हो, कोई काम अभी किया और उसका रिजल्ट इतनी देर बाद में आएगा तो बीच का जो टाइम पीरियड है बोले अभी इसमें कुछ नहीं करना है। कुकर में दाल चढ़ा दी आपने और कुकर में दाल चढ़ाने के बाद में बोले आप कुछ नहीं, आप दूसरा काम कर लो। अब क्या होगा कि अब जब इसका टाइम निश्चित पूरा हो जाएगा तो सीटी बच जाएगी, तो एक गैप पड़ेगा ना इतना। परीक्षा देने के बाद हाँ परीक्षा दे दी हमने, अब परीक्षा दे देने के बाद में कॉपी चले गई, अब जब रिजल्ट आएगा फल तो तब मिलेगा ना। तो जो रिजल्ट आएगा तब फल मिलेगा, वो किस चीज का फल मिलेगा कि जो परीक्षा दी थी उसका। परीक्षा दी गई अभी, फल मिलेगा डेढ़ महीने बाद। क्या तो डेढ़ महीने तक आप निश्चिंत हो कैसा भी पेपर हुआ हो। हाँ कोई टेंशन का काम नहीं है, टेंशन पेपर देने में थोड़ी ना होती है। क्या कमजोर बच्चों को पेपर देने में कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन तो रिजल्ट आने में होती है। क्या ऐसे ही जो पाप करते हैं उनको पाप करने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब पाप कर्म का फल भोगने का समय आता है तब वो रोते हैं। इसलिए हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ऐसा कहते हैं कि यह जीव कर्म तो हंसते हंसते बांधता है लेकिन भोगने का समय आता है तो रोता है। बंधन, अबाधा काल, उदय, ठीक है। अब जब उदय आया कर्म का तो मिले हमारे को संयोग, जब उदय आया तो बन गई परिस्थितियां आसपास में, हमारे ही बांधा हुआ कर्म, और जब उदय में आता है जब उसका फल मिलता है तो जो परिस्थितियां बन जाती हैं उन सारी परिस्थितियों को, क्योंकि वो हमारी है, हमारे कर्म के उदय से मिली है, इसलिए उनको शास्त्रों की भाषा में तीसरे प्रकार का कर्म नौ कर्म कहने में आता है। तीनों स्पष्ट हो गए? यद्यपि नए तरीके से समझाया है लेकिन बात वही कही है जो परसों कर चुका था।
कमट का उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व में किए गए पाप कर्म का उदय है और उसके कारण बनी हुई परिस्थिति वो नौ कर्म है। ठीक है ना, ये जो क्या चीज कमट को भी कर्म बंधे जितने कमट को तो आगे के लिए कर्म बंधेगा, अभी जो कमट काम कर रहा है, कमट ने जो पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग किया और उपसर्ग करते हुए जो अपने परिणाम बिगाड़े उसने, उन परिणामों के बिगाड़ने से कर्म का बंधन हो गया उसके, कमट के नए कर्म का बंधन हो गया। ये बंधन भी हर समय हो रहा है, ये उदय भी हर समय चल रहा है, ये नौ कर्म भी प्रति समय बन रहे हैं, ये सब काम कंटिन्यू चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक नॉन स्टॉप, अनादिकाल से ये सब काम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान का उदय काल था लेकिन कमट ने परिणाम बिगाड़े क्या? हाँ, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे के साथ में। माने वो कमट ने जब अपने परिणाम सुधारे तो उसको वैसा फल मिलेगा। देखिए, परिस्थितियां बनना ये हमारे कर्म के उदय के अनुसार है, लेकिन उन परिस्थितियों को बनाने में बिगाड़ने में जो जीव के परिणाम जुड़े रहते हैं उन परिणामों से नवीन कर्म का बंधन होता है। यदि मान लीजिए पार्श्वनाथ स्वामी के पाप कर्म के उदय से जंगल में चलते हुए कांटा लगे तो किसी को नए कर्म का बंधन नहीं है। यदि कांटे लगने की स्थिति में वे उसके साथ में जुड़ान करे कर्म के फल के साथ में तो नए कर्म का बंधन है, और उसे यदि वितराग भाव से सहे क्या तो नवीन कर्म का बंधन नहीं है। माने नौ कर्म परिस्थितियां हैं, द्रव्य कर्म पुद्गल के परमाणु हैं जो आत्मा के साथ में चिपकते हैं, द्रव्य कर्म कोई फालतू नहीं बैठे हैं, उनके पास में बहुत बड़ी दुनिया है बांधने के लिए, हम बांधते हैं, हम द्रव्य कर्मों को मजबूर करते हैं। सारी दुनिया ये कहती है कि द्रव्य कर्म जीव को बांधता है, लेकिन जिनागम ये कहता है जीव द्रव्य कर्मों को बांधता है। बोलो, आप देखो लोक व्यवहार में ऐसा ही कहेंगे, आप कई शास्त्र सभाओं में सुन लोगे ये बात, कर्म ने बांधा है, कर्म ने बांधा है, कर्म बांधते हैं साहब, कर्म बांधते हैं, कर्मों ने इस जीव को बांध रखा है, आप ऐसे वाक्य सुनोगे। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है हमारे परिणामों की वजह से कर्मों को बंधना पड़ा। क्या फैक्ट क्या है? कर्म को कोई विकल्प नहीं है, कर्म में चेतनता नहीं है, कर्म आकर के बांधे ऐसी बुद्धि कर्म में नहीं है, किसको कैसा बंधना है ये कर्म समझता नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपने अग्नि को छुआ और आपका हाथ जल गया, आपका अग्नि ने जला दिया, अग्नि को पता ही नहीं है कि मुझे जलाना है कि नहीं जलाना है, काम तो अपना है। समझ में आ गई बात? भाव कर्म भी पुद्गल होते हैं, कैसे सिद्ध करें? भाव कर्म पुद्गल नहीं है, भाव कर्म जीव है, जीव की पर्याय है, जीव की विकारी पर्याय है, नहीं पर्याय जीव की भी है ना, द्रव्य गुण पर्याय, जीव के अलग द्रव्य हैं, जीव के अलग गुण हैं, जीव के अलग पर्याय हैं, प्रत्येक गुण का परिणमन पर्याय कहलाता है, द्रव्य का परिणमन पर्याय कहलाता है, तो जीव के विकारी भाव भी जीव की ही पर्याय है, राग द्वेष आदि भी जीव की ही पर्याय है। हाँ सुनो, अध्यात्म के जोर से मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता था अभी इस प्रसंग पर, लेकिन पूछ लिया आपने, अध्यात्म के जोर से कहीं कहीं शास्त्रों में भी उन राग द्वेष भावों को पुद्गल कह दिया जाता है, कह दिया जाता है, फैक्ट नहीं है, और उसको कहने के पीछे शास्त्रों में ये बात कही गई है उसके पीछे प्रयोजन है। वो प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन ये है कि तू इनके प्रति अपनापन मत कर, ये पर के खाते में डाल इसको, क्या ये अपने नहीं है, इनके प्रति अपनापन करने की जरूरत नहीं है, तो भी साहब अपनापन करने की जरूरत नहीं है तो भी इनको पर के खाते में डाल देना, ये कहां की समझदारी है? कि नहीं, बात यह है कि राग द्वेष भाव पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं इसलिए पौद्गलिक कह दिया, होते जीव में है, होती जीव की पर्याय में है। विकास जी ध्यान देना, दीपेश जी, राग द्वेष जीव की पर्याय है, माने मेरी पर्याय है, पर्याय मतलब अवस्था, ये मेरी अवस्था है, राग द्वेष मेरी अवस्था है, मेरा विकार है,
माने जीव का है, पुद्गल एक स्वतंत्र द्रव्य है, पर द्रव्य है। नौ कर्म जितने भी थे वो सब पौद्गलिक हैं। इस जीव ने अपने परिणाम उस नौ कर्म के साथ में जोड़े और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्या खराब चीज है, ये क्या बना लिया है? ये जो इस जीव ने परिणाम किए तो राग द्वेष खड़े हुए। ये राग द्वेष किसकी वजह से खड़े हुए? ये राग द्वेष माने इस जीव के उत्पन्न होने वाली अवस्था ने पर का लक्ष्य किया, पुद्गल का लक्ष्य किया, पुद्गल का अवलंबन किया। तो जिसने पुद्गल का अवलंबन किया तो हमारे शास्त्रकार ये कहते हैं, अनेक अनेक दिगंबर संत ये कहते हैं कि सुनो, जो पुद्गल का साथ दे वो पुद्गल का, जिसका लक्ष्य पुद्गल के ऊपर वो पुद्गल का। लोक व्यवहार में ऐसे कथन बहुत प्रसिद्ध हैं कि बेटा तो बहू का हो गया, शादी होती किसका हो गया बेटा? बहू का हो गया बेटा है? या बेटा तो माँ बाप का ही रहेगा, बेटा तो माँ बाप का ही रहेगा ना, लेकिन उनके साथ चलता है। उसका अपनापन क्या, उसका लक्ष्य उसकी तरफ विशेष हुआ, तो ये उसका हो गया। तो मेरे परिणामों का स्वामी पुद्गल है, मैं नहीं। मेरे परिणामों का स्वामी, देखो अब दोनों तरह के कथन, इसलिए मैंने दोनों बातें कही है, दोनों बातें ध्यान में होनी चाहिए। यदि आप एक ही बात कहेंगे तो वो एकांत हो जाएगा। हमारे यहाँ जैन दर्शन में जो अनेकांत है वो अनेकांत यही है कि यद्यपि ये रागादि परिणाम जीव की अवस्था है, जीव के भाव कर्म हैं, अपने हैं, निजी हैं, इसलिए अपने हैं मतलब अपने कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन अपने कंट्रोल में नहीं रख करके हमने इनका कंट्रोल दे दिया पुद्गल के हाथ में, पुद्गल के लक्ष्य से हुए, इसलिए राग द्वेष को कह दिया गया पौद्गलिक, कह दिया गया क्या, लेकिन फिर भी हैं जीव के ही। समय सार पुद्गल का कहता है, प्रवचन सार जीव का कहता है। अब बोलो आप। हाँ, तो भाव कर्म जो पुद्गल कहे गए हैं वो पुद्गल इस अपेक्षा से, जिसने जिसका लक्ष्य किया वो उसका। ऐसी चर्चा की है कि पुद्गल ये राग द्वेष आदि का स्वामी कौन, राग द्वेष आदि उत्पन्न कहाँ, तो राग द्वेष आदि उत्पन्न जीव में, राग द्वेष आदि का स्वामी कौन, पुद्गल। कैसे कैसे बात करते हैं, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, बच्चा क्या, हाँ बस वही ऐसा ही है स्वरूप, है ना। शाम को चलती होगी चर्चा, उसका स्वामी कौन है, पुत्री है तो पुत्री का पिता कौन, जो पिता है उसके माँ बाप जो हैं वो उसके माँ बाप हैं, लेकिन उस पुत्री का स्वामी कौन, पति। स्वामी पिता नहीं है, पिता के घर में उत्पन्न होते हुए भी स्वामी पिता नहीं है, तो स्वामी कौन है कि उस कन्या ने, उस लड़की ने जिसमें अपनापन किया, जिसके गले में वरमाला डाली क्या, तो उसने अपन उत्पन्न हुई है इस घर में, अपनापन है उसके साथ में, तो जिसके साथ में अपनापन वो उसका स्वामी। राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं अपने में, अपनापन किसके साथ में, अपनापन घरवार महल मकान के साथ में राग द्वेष का, तो स्वामी कौन, बोले ये। इसलिए पर के खाते में डाल दिया जाता है। अभी आप मोटी मोटी बात ये समझो, राग केवल अपने गायक भाव और चेतन भाव का, क्या चीज, हाँ, इसलिए ज्ञानी वास्तव में अपने ज्ञान भाव का ही करता है, वो उसी का स्वामी है। हम हमारे विकार निर्विकारी भाव निर्मल पर्यायों का ही करता है, ज्ञानी निर्मल पर्यायों का ही करता है, विकार का करता नहीं होता, क्योंकि उसका कर्तृत्व उसके पास में नहीं होता। चलिए, मैंने बहुत सारी बातें कह दी आपसे, है ना, सीमित समय है, कुछ बातें यहाँ पढ़ते हैं अपन। कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कही है, कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये घना संबंध है, काम जीव में हुआ राग द्वेष और कर्म बंधे पुद्गल, जीव के परिणाम निमित्त और कर्म आकर के बंध गए, कर्मों का क्या कसूर, आकर के बंध गए कर्म, ऐसा ही स्वरूप है। हमने कहाँ तक पढ़ा था, देखिए आप पेज नंबर 17 पर,
पेज नंबर 17 से ही पढ़ता हूं। यह निमित्त क्या होता है, ये पढ़ लिया था अपन ने। निमित्त क्या होता है, निमित्त किसे कहते हैं? यश मिला क्या बेटा? निमित्त किसे कहते हैं? जब भी कोई काम होता है तो उसमें निमित्त नियम से होता है, निमित्त के बिना काम नहीं होता है, लेकिन निमित्त से भी काम नहीं होता है। दोनों बातें साथ साथ याद रखना, निमित्त के बिना काम नहीं होता लेकिन निमित्त से भी काम नहीं होता, दोनों 100% है। हाँ ऐसा ही है। देखिए आचार्य नेमीचंद्र कहते हैं, जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे तब कार्य की उत्पत्ति में, कार्य की उत्पत्ति रोटी के बनने में, घड़े के बनने में, कपड़ों के सिलने में, नहाने धोने आदि क्रियाओं में, पढ़ने पढ़ाने में, ये कार्य की उत्पत्ति, कोई भी काम ठीक है ना, उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। रोटी बनी क्या, तो बाई ने बनाई। घड़ा बना, तो घड़े बनने में निमित्त कौन, उसके बनने में अनुकूल कौन है? बोले कुमार ने बनाया। हाँ चाक मिट्टी आदि सभी निमित्त हैं, इसलिए निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं। एक कार्य के होने में अनेक निमित्त हो सकते हैं। क्या घड़ा बनाए तो चाक चीवर दंड है ना, ये सब सब आ जाएंगे उसमें सहयोगी। माने नहीं, निमित्त है ना, निमित्त माने मालिक नहीं कहेंगे हम, असली मालिक तो वो वस्तु है जिसमें कार्य हुआ है। निमित्त तो पर वस्तु है, निमित्त तो पराई वस्तु है। अभी जब हम उपादान की बात करते हैं जिसमें काम हुआ है, उसकी योग्यताओं की बात करते हैं, तो प्रत्येक वस्तु में 6 सामान्य गुण है। वस्तु का अस्तित्व अपने से है क्या? वस्तुत्व शक्ति वस्तु में है जिसके कारण वो प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। घड़ा बनने की मिट्टी की योग्यता, और वो मिट्टी घड़े रूप बदली, ये मिट्टी की शक्ति सामर्थ्य। और निमित्त चाक चीवर आदि कुम्हार आदि वो सब निमित्त क्या? आप देखिए जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता न हो, ऐसी बालू मिट्टी यदि कुम्हार के सामने रखी जाए और सारे निमित्त जैसे थे वैसे लाए जाएं, तो वो कहता है क्या पागल बनाते हो, इससे थोड़ी ना बनती है मिट्टी, इससे नहीं बन सकती। कि तुम ही तो बनाते हो क्या, और इन्हीं साधनों से बनाते हो तो बनाओ ना। कि नहीं भाई, जिसमें बनने की योग्यता होगी उसके घड़े रूप बनने में हम निमित्त बन सकते हैं क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कभी जब प्रसंग आएगा तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो निमित्त समझ में आया, काम के होने में जिसे अनुकूल कहा जाएगा उसे निमित्त कहते हैं। अतः जब आत्मा स्वयं, आत्मा स्वयं, जीव स्वयं, हम स्वयं अपनी भूल से विकारादि रूप परिणमे, अपनी भूल से, तब उसमें कर्म को निमित्त कहा जाता है। कर्म निमित्त है, क्या करें, ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त बनता है, मोहनी कर्म का उदय निमित्त बनता है, चारित्र मोहनी का उदय निमित्त बनता है, मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त बनता है। कर्म का उदय, जैसे इस जीव ने गुस्सा किया, समझना, तो गुस्सा करने में निमित्त कौन, सुन सुन ध्यान से सुनो एक बार, गुस्सा किया हमने, बहुत तेज गुस्सा आया हमारे को, गुस्सा आने में निमित्त कौन, परिस्थितियां, एक परिस्थितियां निमित्त, परिस्थितियां प्रतिकूल थी, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ इसलिए हमें गुस्सा आया। अभी कह रहे हैं एक अंतरंग निमित्त और है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। वो अंतरंग निमित्त क्या है, अंदर में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। चारित्र मोहनीय नाम का एक कर्म है, मोहनीय कर्म का एक पार्ट है चारित्र मोहनीय। बस जितना जितना कहते जा रहे हैं ना उतना उतना दिमाग में बैठाते जाओ। अभी 8 कर्म के नाम याद कराए थे क्या हमने, 8 कर्म के नाम भी तो नहीं पढ़े अभी।
कोई बात नहीं, हाँ याद होंगे बहुतों को। आठ कर्मों में एक कर्म है मोहनीय कर्म, उस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उस चारित्र मोहनीय के 25 भेद, वो सब 25 कक्षाएं, 25 कक्षाएं तो बताई थी हमने, मुझे मालूम है बहुत से भूल गए, क्या 16 और 9 25 है दिवेश जी याद है। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध, अप्रत्याख्यान, मान, अप्रत्याख्यान, माया, अप्रत्याख्यान, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, माने प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान लोभ, छाबड़ा जी सब आपके लिए दोहरा रहा हूं। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संज्वलन 4, राजन जी सब 16 हो गई, और 9 और हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। सात्विक याद है कि नहीं? यश भूल गए क्या? भूल गए सब? रवि जी सब याद है कि नहीं है? भीम जी वैसा को तो याद है ना? हमको एक मच्छर काटता है, उसका छोटा सा डंक, तो वो शरीर के इतने से हिस्से के आत्म प्रदेशों में इतने 25 हाँ है। वो अभी 25 में से कौन सी हो जाए? अभी देखो कर्म का उदय, ये तो था कर्म, कौन सा चारित्र मोहनी कर्म, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म का होता है बंधन और द्रव्य कर्म का मिलता है उदय फल। तो जब चारित्र मोहनीय की क्रोध नामक कर्म प्रकृति, क्या मुझे थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, चारित्र मोहनीय की क्रोध नामक कर्म प्रकृति का जब उदय आता है, उसका जब निमित्त बनता है, तो बाहर में उन परिस्थितियों में इस व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आया। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मेरा प्रसिद्ध उदाहरण, सड़क पर अपने मम्मी की उंगली पकड़ करके चलने वाला बच्चा, रोड पर चल रहा है, उंगली पकड़ करके चल रहा है, मम्मी पापा साथ में चल रहे हैं, एकदम उंगली छुड़ा करके आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा और केले के छिलके पर पांव रखा और फिसल गया, क्या? अब क्या हुआ देखो, अब परिस्थिति एक जैसी है, घटना एक है, अब देखना इस परिस्थिति में क्या क्या हुआ। केले के छिलके पर जैसे ही पांव रख करके वो फिसला, वहीं बाइक पर 2-4 लड़के बैठे थे, वो हंसने लग गए उसको देखकर। जैसे ही वो फिसला, क्या उसकी मम्मी घबरा गई एकदम, भय लग नहीं जाए, और जैसे ही वो फिसला उसके पिताजी को गुस्सा है, नालायक देख के नहीं चलता है, 2 चांटे लगाए खींच के। क्या क्या एक 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 ही परिस्थिति है क्या? एक को क्रोध आया, एक को भय और एक को हास्य है? ये तीनों अलग अलग क्यों, बोलो तीनों अलग अलग क्यों है? जिसके अंदर में हास्य नामक कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है, क्या उसको वो घटना हंसने में निमित्त बन गई? जिसके अंदर में भय नामक कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है, उसको वही घटना भय में निमित्त बन गई? और जिसके अंदर में चारित्र मोहनी की क्रोध कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है, उसको वही घटना गुस्से में निमित्त बन गई? अभी सुनो और बात, अभी सुनो, हाँ करुणा भी हो सकती है किसी के, हाँ अरे ये क्या हो गया, वो करुणा भी हो सकती है। तो ये सब अलग अलग तरह की परिस्थितियां है ना। अब सुनिए बात, चारित्र मोहनी कर्म का उदय क्रोध नहीं कराता, क्रोध में निमित्त है। अंदर में चारित्र मोहनी कर्म का उदय आया, लोकेश जी ध्यान देना साहब, कांति जी साहब, हाँ हमारे कोषाध्यक्ष हैं मंदिर के, क्या कहा, इधर क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय आया, क्या अब वो कर्म प्रकृति के उदय में क्या परिस्थिति बननी चाहिए? गुस्सा आना चाहिए, क्रोध कर्म प्रकृति के उदय में क्रोध आना चाहिए। यदि ये जीव क्रोध करता है तब तो वो कर्म प्रकृति निमित्त है, उसका उदय निमित्त है, लेकिन उसके उदय आने पर भी ये जीव पुरुषार्थ करके क्रोध ना करे, क्या ये इसके कंट्रोल में है, उस पर इसका कंट्रोल चल सकता है,
तो क्या होगा? तो नए कर्म का बंधन नहीं होगा। क्या कहा? वापस सुनो। क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय आने पर बाहर में जो संयोग बने, ये क्रोध कर्म प्रकृति का उदय, ये द्रव्य कर्म, संयोग जो दिख रहे हैं वो नौ कर्म, उन संयोगों के मिलने पर और उदय आने पर भी इधर से जो भाव कर्म वाला पार्ट था उसने उसका लक्ष्य करके परिणाम नहीं बिगाड़े। यदि परिणाम बिगाड़े तो भाव कर्म खड़ा हो गया, नया द्रव्य कर्म बन जाएगा, सर्कल चलता रहेगा। समलो समलो कर्म के उदय में, समझ में आ रही है बात? पहले बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझ, प्रैक्टिस, अभ्यास, बार बार में उदय के बारे में विचार, उदय का चिंतन, कर्म के उदय का विचार, हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल है, किसी और के द्वारा नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति मेरा कुछ सुधार नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। ये सब बातें आगे इन आठ कर्मों के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या कल तक आएगी चर्चा? अभी निमित्त समझ में आया क्या? कर्म का उदय निमित्त बनाए। गलती किसकी है, भूल किसकी है, दुख किसके कारण से है, अपनी भूल से दुखी हूं, निमित्त कर्म का उदय बन रहा है। कर्म का उदय मुझे दुखी नहीं करता। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह सम्यक ज्ञान हुआ मुझको। क्या क्या हुआ? यह मिथ्या भ्रांति है। पूजन की लाइन है, देवशास्त्र गुरु पूजन की। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता। क्यों हो रहे हो? अपनी मिथ्या भ्रांति की वजह से। जड़ कर्म मुझे घुमाता है, जड़ कर्म मुझे तकलीफ देता है। मैं क्या करूं, कर्म का उदय, मैं क्या करूं, कर्म का उदय। तो टोडरमल जी, ये अपने ऊपर जो बैठे हैं, क्या ये टोडरमल जी ने ऐसी डांट लगाई? जब ये कहता है मैं क्या करूं कर्म का उदय, साहब ऐसा ही कर्म का उदय था, ऐसा ही होना था, ऐसे कर्म के उदय से ऐसा हो गया, ऐसी डांट लगा करके कहते हैं। स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म के माथे पर लगाता है, ऐसी अनीति जैन शासन में संभव नहीं है। क्या ये गलत काम कर रहा है तू? दोष तेरा, गलती तेरी, कर्म के माथे पे मरना चाहता है, दोष कर्म के ऊपर लगा रहा है, ये गलत काम यहां नहीं चलेगा। ये क्या, अपनी गलती को स्वीकार कर, मेरी गलती है, मैं क्या करूं, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, निमित्त हो गया। यहां समझ में आ गई बात? क्या कहा? जब अपनी भूल से विकार आदि रूप माने दुखादि रूप परिणमन करे, तब उसमें कर्म को निमित्त कहा जाता है। पढ़ चुके थे वैसे अपन ये बात, ये लाइनें नीचे भी पढ़ चुके हैं। यह तो ठीक है कि आत्मा अपनी भूल से स्वयं दुखी है, ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण नहीं, अपनी भूल से दुखी है, कर्म के कारण दुखी नहीं है। पर वह भूल क्या है, गलती क्या है मेरी? बहुत से लोगों, अब सोचिए, यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो लोगों की धर्म पर से श्रद्धा उठ जाती है। ये कर्मों को यदि हम नहीं पढ़ें, कर्मों को यदि हम नहीं जाने, तो हमारी धर्म पर श्रद्धा ही नहीं होगी। एक व्यक्ति जो धर्मात्मा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर संकट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक व्यक्ति जो बूचड़ खाने खोल करके बैठा है, एक व्यक्ति जो बेईमानी, धोखाधड़ी, अनीति, अन्याय है, ऐसे काम कर रहा है, लूटमार जिसने मचा रखी है, और उसके बावजूद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, बोलो, सारे धर्म करने वालों की तो हालत खराब हो रही है, और जो धर्म नहीं कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। कौन जवाब देगा आपको इस बात का? कौन न्याय कराएगा? आपकी श्रद्धा विचलित हो जाएगी कि देखो पाप करने से मजे में रहते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये तो वर्तमान में जो काम किए जा रहे हैं उसका फल भविष्य में मिलेगा, और वर्तमान जो परिस्थिति दिखाई दे रही है ये परिस्थिति पूर्व में बंधे हुए कर्म का फल है। क्या क्या अभी जो कर्म बंध रहा है ये तो फल कब देगा? अपना एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में फल देगा। क्या
इसलिए न्याय है, प्रकृति में कहीं भी अन्याय नहीं है। ये कर्मों का सॉफ्टवेयर कभी फेल नहीं होता, ये कर्मों के सॉफ्टवेयर में कभी वायरस नहीं आता क्या, ये कर्मों के सॉफ्टवेयर में रिश्वत नहीं चलती क्या, ये कर्म रिश्वत नहीं लेते क्या, कर्मों में कहीं धांधली नहीं चलती, कर्म का फल और उदय आता है तो अप्रोच से काम नहीं चलता क्या, कर्म ये नहीं देखते कि ये मंत्री जी हैं क्या, कर्म नहीं देखते कुछ भी, क्योंकि कर्म देखेंगे कैसे, कर्मों को ज्ञान ही नहीं है। शांति विधान करने से शांति नहीं मिलेगी क्या, बोलो, शांति विधान करेंगे ना कल अपन, शांतिनाथ पंचकल्याणक विधान, तो शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी उससे क्या, शांति मिले क्या, घर में शांति हो, परिवार में शांति हो, इस भावना से करें तो वो पुण्य नहीं बंधेगा आपको जो बंधना चाहिए। आपने भगवान का स्वरूप समझकर यदि आपने पूजन की, भगवान का स्वरूप समझकर आपने यदि विधान किया, भगवान की सच्ची भक्ति और गुणानुवाद यदि आपके माध्यम से हुआ तो क्या होगा, आप जानते हैं, सहज में पुण्य बंधेगा, सब काम जो होने हैं सब होंगे अपने आप, तुम उलझो मत उसमें, इच्छा मत करो तुम किसी भी प्रकार की। देखो अपनी भूल के कारण दुखी है भाई, अपनी भूल से दुखी है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास में कि हम अपनी भूल से दुखी हैं। ये प्लस पॉइंट क्या है, ये प्लस पॉइंट ये है कि यदि मैं अपनी भूल से दुखी हूं तो अपनी भूल सुधार के सुखी भी हो सकता हूं, ये प्लस पॉइंट है। और यदि मेरे दुख का कारण पर है तो क्या समस्या आएगी, तो समस्या ये होगी कि सामने वाला जब कुछ करे तो मैं सुखी होऊंगा, इसका मतलब मेरा सुख और दुख सामने वाले के कंट्रोल में चला गया। जैन दर्शन स्वाधीनता की बात करता है, तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा सुख दुख किसी दूसरे के हाथ में नहीं है क्या, सामने वाला मुस्कुराए तो मैं मुस्कुराऊंगा, सामने वाला हंसे तो मैं हंसूंगा क्या, ये मेरे को सुखी करे तो मैं सुखी होऊंगा। वारे वाह, तूने अपने पूरी कंट्रोलिंग पावर, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में सौंप दिया, तेरे हाथ में है ये क्या, ये अंगूठा दिखा रहा है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, कि अंगूठा दिखा रहा है मेरे को क्या, अंगूठा किसका है कि उसका क्या, कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, कि मेरे को दिखा रहा है सब बार बार में, चिढ़ा रहा है मेरे को, अंगूठा दिखा रहा है चिढ़ा रहा है मेरे को, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, कि तू दुखी अपने परिणामों से हो रहा है, परिणाम बदल ले, तू सच में तू दुखी होता है इसलिए उसको चिढ़ाने का भाव आता है, तू चिढ़ना बंद कर दे वो अंगूठा दिखाना बंद कर देगा, उपयोग हटा दे, ध्यान उठा दे वहां से, नेगलेक्ट कर दे उसको, तू उसे नेगलेक्ट करेगा उसे अपने आप समझ में आ जाएगी कि मैं गलत कर रहा था। ये देखो क्या कैसी गजब बात कह रहे हैं, अपनी दुख का कारण अपनी भूल है, और अपनी भूल क्या है तो इन्होंने क्या बतलाया, देखो ये तो ठीक है कि आत्मा अपनी भूल से स्वयं दुखी है, ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण नहीं, कर्म के कारण नहीं, कर्म कारण नहीं है, लेकिन वो भूल है क्या ये तो बताओ, अपने को भूलकर पर में इष्ट और अनिष्ट कल्पना करके मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म करना ही आत्मा की भूल है, राग द्वेष करना ही आत्मा की भूल है, कषाय करना ही आत्मा की भूल है, विकार करना ही आत्मा की भूल है, पर में अपनापन ही आत्मा की भूल है, देह में अपनापन आत्मा की भूल है, ये अच्छा है ये बुरा है ये मान्यता आत्मा की भूल है, ये बुरा है ये अच्छा नहीं है ये अच्छा है ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, कि तू नई भूल कर रहा है अपनी, ये तेरी भूल है भाई क्या, ये विकारी भाव करता है स्वयमेव नहीं आते, हम विकारी भाव करते हैं, ये विकारी भाव हमारे हाथ में है, कर्म का उदय निमित्त बनता है, कंट्रोल आपके हाथ में है, गुस्सा तुम करते हो क्या, क्रोध करते हो, अभिमान करते हो, मायाचार करते हो, छल कपट करते हो, लोभ लालच करते हो, राग द्वेष आदि करते हो, हाँ क्रोध की अनेक तरह की परिस्थितियां है ना, क्षमा धर्म के दिन करते हैं चर्चा क्या,
बहुत तरह की परिस्थितियां बनती है, मौका देख करके गुस्सा करता है क्या? गुस्सा करना कि नहीं करना विचार करके करता है। यहाँ तो इन्होंने कह दिया ये सब विवाह वाव रूप परिणमन करना ही तुम्हारी भूल है। ठीक है, आगे भाव कर्म क्या होता है? भाव कर्म तुम्हारी भूल है। ठीक है, भाव कर्म क्या होता है? विकारी भाव हमारी भूल है, तो ये भाव कर्म क्या होता है? फिर उन भाव कर्म से बंधने वाले द्रव्य कर्म कौन से हैं? फिर द्रव्य कर्म कितने हैं? और फिर उन द्रव्य कर्मों का क्या स्वरूप है? फिर उदय आता है तो क्या परिस्थितियां बनती है? ये बहुत सारे मार्मिक विषय हैं जो अभी कर्म के संदर्भ में बचे हुए हैं। हम लोग आगे इन विषयों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जितने शब्द कहे हैं उन शब्दों को वापस दोहराना, वापस याद करना, याद रहेंगे तो आगे की बातें समझ में आएगी। हम सभी इन बातों को समझें और अपनी भूल से दुखी हैं इसको समझकर, अपनी भूल सुधार कर हम सभी सुखी हों, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। हाँ, कल